This is Channels Television's breaking news. गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा ले युवा उमाकांत। नमस्कार, स्वागत है आपका इस समय मेरे साथ RBS7 लाइव न्यूज चैनल में। आज नगर आंवला के सरगम रिसोर्ट में हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय संगठन मंत्री आदरणीय उमाकांत जी का आगमन हुआ, जिस पर सभी राष्ट्र रक्षकों ने संगठन मंत्री का जोश के साथ अभिनंदन किया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला और बताया कि किस तरीके से हमारे दोनों हिंदू प्रतापी राजा धर्म के लिए आजीवन संघर्ष किया, लेकिन कभी भी मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की। हिंदू समाज के युवाओं को भी अपने गौरवशाली इतिहास से सीख कर आत्मनिर्भर बनाना होगा व राष्ट्र की संपत्ति को अपनी संपत्ति मानकर राष्ट्र को और अधिक वैभवशाली बनाना होगा। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि हिंदू जागरण मंच की बैठक ग्रामीण अंचल में करें और वहां की माताओं बहनों व अन्य भाइयों के साथ लब जहाद भूमि संरक्षण व राष्ट्र निर्माण के बारे में चर्चा करें कि हम लोग किस तरीके से राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका दे सकते हैं, इस पर गांव-गांव जाकर चर्चा की जाए। इस अवसर पर जिला प्रचार प्रमुख सुनील कुमार सौबरी, जिला महामंत्री जयदीप परासरी जी, जिला मंत्री गुलशन बहादुर, संयोजक योगेश महेश्वरी, नगर अध्यक्ष आंवला रामवीर प्रजापति, तहसील संयोजक गोपाल सिंह गुड्डू फौजी, नगर महामंत्री अवनेश संगधार, सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एक बात पक्की है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, वाला गर्व के साथ है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि गर्व से कहो हिंदू है, हिंदुस्तान हमारा है, ऐसे ही डॉक्टर हेमजीवाल जी ने कहा कि